लेंस की प्रॉब्लम है, उनको इतना नहीं लगाना है ठीक, ब्लड वगैरह आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, गेट को रोको। आराम से कोविड ले सकते हो, जेल है जेल ले सकते हो ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि पेशेंट से आप पेशेंट को बताओ कि किस चीज के लिए क्या फायदा करेगा क्या नुकसान करेगा, जिनको बैक पेन भी होता है ना उसमें भी ये बहुत फायदा करता है, क्यों जो अपना स्टमक अपडेट है वो अपनी कड़ी यहाँ से स्पाइन से कनेक्टेड होता है ठीक है, तो पेट बढ़ेगा या कब्ज वगैरह होगी कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो आगे की तरफ खींचेगा जिससे बैक पेन बढ़ जाएगा ठीक है। इतना ये बेर सामने की तरफ डाउन, एक बेर सीधे डाउन होगी। आराम से देखो, बाद में लगाना ये नहीं कि अपने को पता नहीं है सलमान कुछ हो रहा है, आराम से देख के फिर लगा दो ठीक है। ऐसे इनको बोल दो जितना सही हो पानी बता दो, कई बार ये भी क्या है अटक जाती है, जिनको कमजोरी ज्यादा होती है ना तो अंदर नहीं जाती है। चालू हो गया पानी नेक्स्ट टाइम हम चला दो, बार बार पूछते लोग भी सहन हो रहे हैं, जिनको पैराडाइज पेशेंट होते हैं जिनको सेंसिटिवेशन नहीं होता है फिर भी पार्टी वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते पानी आप लगाने के बाद में थोड़ी देर जैसे जिनको कंट्रोल हो उनको बोलो कि थोड़ा रोको बाहर घूमो, कोई आसन वगैरह जैसे आप उनको कौन मोटासन करवा दिया जैसे या फिर वो मोटे ऊपर डाउन डाउन करवा दिया, हाँ वो करवा जो कंट्रोल कर पा रहे जो नहीं कर पा रहे वो ठीक है आप ऐसे ठीक है। नीचे की तरफ दर्द क्यों महसूस हो रहा सर इधर? हाँ तो वो आंसू में तो पानी जा रहा है इसलिए, इसीलिए तो उस साइड से देता है यहाँ ना, मैंने क्या बताया था बढ़िया खांस से खांस आगे खत्म होती है खांस चालू होती है, इसको बंद कर लो निकाल लो और पहन लो। जो भी चिपका हुआ मतलब देना है वो हट जाएगा।